स्थिति प्रज्ञ चेतना, यही वो जगह है। जवाब, इस सौंदर्य को जो प्राकृतिक है चारों ओर, इसे अनुभव कर रहे थे। चेतनागत आज भी है आप यहां, बस फर्क इतना है तब आप एक फॉर्म में, एक स्वरूप में इसे देख सकते थे, इसे एहसास कर सकते थे। जो तंत्र आपके स्वरूप में अनुभव करता है और इस तंत्र में जो अनुभव करता है वह आप इस क्षण भी मौजूद है, इस वक्तव्य में भी, इस एहसास में भी, इस अंतर्दृष्टि में भी, यह पूरा का पूरा अस्तित्वमय सौंदर्य एक ही संतुलन के समायोजन में, सहभागिता में व्यक्त हो रहा है। यहां कहीं भी कोई भी अन्य नहीं है, एक ही है, एक ही चेतना है जो अपनी सभी संभावनाओं में यहां व्यक्त हो रही है इस सौंदर्य के रूप में। यह तंत्र देह इस शांत शीतल हवा को अनुभव कर रहा है, इस पीस, इस बीइंग ब्लेस इन द वेरी मोमेंट, दिस जॉय, इस मीन्स ऑफ रियल जजमेंट, द विटनेस ऑफ बी, जीवन का अपना अलग कोई अर्थ या ध्येय नहीं है, जीवन स्वयं होने में ही अपना अर्थ है। बस फर्क इतना है होने में कोई अतिरिक्त माइंड, अज्यूम्ड ईगो, अज्यूम्ड आइडेंटिटी, व्यक्तिगत भाव ना हो तो यह सार को, यह अस्तित्व, यह चेतना स्वयं में ही, स्वयं को ही
चैन से ही जीवन की यात्रा होने का अस्तित्व है। आप हैं जो तत्व है चेतना का, वह सत्य, वह सत्य यह आंख है, जो अपने ही सौंदर्य को देखती है। यह हृदय है, जो अपने ही सौंदर्य को अनुभव करता है, एहसास करता है। और इसे अपने सहज स्वभाव में जीता है, इसकी शांति को और इसके होने के आनंद को। आपके रूप में जीवन की वह यात्रा और उस यात्रा का अनुभव आज इस क्षण में यहाँ मौजूद है। आप मौजूद हैं क्योंकि हम अन्य कुछ है नहीं, अतिरिक्त कुछ है नहीं। स्वामी रामदेव स्थिति प्रज्ञ शर्मा जी, शैलेंद्र कुमार शर्मा जी, ये सब अलग अलग नाम अलग अलग स्थितियों में अलग अलग संदर्भों में अलग अलग परिस्थितियों में एक दायरा है जिसे माना गया है, लेकिन वास्तव में अनंत का अतिरिक्त कोई नाम है नहीं। अनंत अनंत है, सार्वभौम अटर्नल, जो हमेशा है, उसका कोई नाम नहीं। जो एक है उसका नाम कैसे हो सकता है, लेकिन फिर भी यह नाम भिन्न भिन्न स्वरूपों में एक सहजता ही है।